हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ राइस फ्लोर से बनी हुई पापड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। इजीली आप इसको बनाकर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं एंड चाय के साथ इसको स्नैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची एंड टेस्टी पापड़ी बनती है इसकी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये बर्तन लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसके बाद में ये कैरम सीड, जिसको अजवाइन भी बोलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, इसको मैं डाल दूँगी। इसके भुनने के बाद में इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये भुन चुका है, अभी मैं वाटर डाल रही हूँ। एक कटोरी पानी लिया है मैंने इसमें, और इसको भी बॉईल होने देना है। पानी बॉईल हो रहा है, इसी में मैंने एक कटोरी पानी लिया था, उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। जब पानी बॉईल होने लगे उसी टाइम पे आपको चावल के आटे को ऐड करना है एंड इसको मिक्स कर देंगे। और गैस के फ्लेम को भी मैं बंद कर दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये मिक्स हो गया है और मैं इसको 4-5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा। 5 मिनट के बाद में मैंने इसको ले लिया है और इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि डो लगाने में ईजी रहेगा। सारे आटे को कर लेंगे ट्रांसफ़र। और इसको मिक्स कर लेंगे। डो लगाते टाइम इतना याद रखना है कि हल्का सा जब गर्म हो उसी टाइम पे डो लगाना है, क्योंकि अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो डो अच्छे से नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने ये मैगी मसाला लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चिली भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप ऐड कर सकते हैं या आप अवॉइड करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा डो लगा के तैयार करना है। हल्का हल्का जब गर्म रहे उसी टाइम पे डो लगाना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ मैं। जितना अच्छा डो लगेगा उतनी ही अच्छी पापड़ी बनेगी, सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये डो लग चुका है एंड इस तरीके से मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। इस तरीके से लोई बना लेंगे इनकी। इसी तरीके से सारी लोई तैयार कर लेंगे एंड ये मैं इसको बेल ली हूँ। हल्के हाथों से बेलना है और इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इस तरीके से बेल लेंगे और मैंने सारी लोइयों को बेल लिया है और ऐसे फैला के इसको डाल लेंगे। इस तरीके से और इसको अभी फ्राई करेंगे। फ्राई होने के लिए डाल दिया है मैंने। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कलर चेंज होने लगा इसका।
देखिए ये सीख चुकी हैं। इसी तरीके से सारी पापड़ी को सेंक लेंगे और इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक टिश्यू पेपर पे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लीजिए एंड लीजिए, आपकी टी टाइम स्नैक बनके तैयार है। इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 वीक रख कर खा सकते हैं और बनाने में आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट इसका सुपर्ब है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।